Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the Indian neighbors. At that time we have discussed 7 countries share land boundary with India and 2 are island countries which are neighbor of us. हमने देखा था 7 तो ऐसे देश थे जो कि हमारे लैंड बाउंड्री शेयर करते थे और 2 हमारे यहाँ आइलैंड कंट्रीज हैं जो नजदीकी पड़ोसी हैं हमारे मालदीव और श्रीलंका, लेकिन इंडियन ओशन में श्रीलंका और अरेबियन सी में मालदीव. अब हमारे पास हमने फिर हमारे यहाँ पढ़ा था कि हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें तो हमने भारत को प्रशासनिक तौर पर किस प्रकार डिवाइड किया शासन को आसान बनाने के लिए, तो हमने तब पढ़ा था आपकी बुक में. हालांकि 29 स्टेट्स दे रखे हैं कि लास्ट तेलंगाना बना 2014 जून में, लेकिन अब हमारे पास 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं क्योंकि जम्मू और कश्मीर की 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर. तो इसलिए हमारे पास अब 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. अब हमारा आता अगला नेक्स्ट फिजिकल डिविजन, फिजिकल भौतिक, यानी हमारे यहाँ किस प्रकार की रिलीफ फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं भारत के अंदर, यानी पूरे भारत की भूमि की बात करें किस प्रकार की फीचर्स हैं हमारे यहाँ. यानी फिजिकल फीचर्स की बात करें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी नॉर्थ. हम नॉर्थ से स्टार्ट करें हमारा. इन द नॉर्दर्न पार्ट देयर आर हाई माउंटेनस एरियाज, हम देखते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. दीज आर हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन रेंज. ये कौन सी हिमालय माउंटेन रेंज है? इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 पैरेलल रेंजेस. इसके बाद इस हिमालयन माउंटेन रेंज को भी 3 पैरेलल हमारे यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं में डिवाइड किया गया है. दीज आर फ्रॉम द अपर पार्ट फ्रॉम द नॉर्थ, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारी सबसे ऊपर. जो नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में हमारे नॉर्थ ईस्ट तक इसका स्ट्रेचेस अप टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तक इसका विस्तार है. उसमें हिमालय माउंटेन्स को हमने पैरेलली नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने 3 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं जो हम बात करते हैं डिवाइड किया हुआ है इस नॉर्दर्न माउंटेन्स को या हिमालयन माउंटेन्स को. इसमें फर्स्ट है सबसे ऊपर द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री, द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री. उसके बाद हमारा है लेसर हिमालयस और हिमाचल, द मिडल हिमालयस जिसको हिमाचल. एंड इन द लास्ट शिवालिक्स, इन द लास्ट शिवालिक्स. उसके बाद हम बात करें तो हमने इनको 3 अलग अलग माउंटेन रेंज में डिवाइड किया है. अब इसमें हिमाद्री द ग्रेट हिमालय की बात करो, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज लाइज इन दिस हिमाद्री जो है द ग्रेट हिमालय है. इस हिमालय प्रसंस्करण का जो ये पार्ट है इसी के अंदर हमारी माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक वो आती है. ये है हमारे 3, ये हमारा महत्वपूर्ण. नॉर्थ की बात करें तो माउंटेन्स, और माउंटेन्स को हमने 3 अलग अलग रेंज में डिवाइड किया, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक. अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो हिमाचल वाला इलाका है इसके अंदर हमारे यहाँ जो बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये हमारे यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन इसके अंतर्गत आते हैं. अब हिमालयन माउंटेन से जैसे ही हम और नॉर्थ से साउथ की तरफ और आगे बढ़ते हैं ऊपर से हिमालयन माउंटेन से, देन नॉर्दर्न प्लेन्स आर देयर, ये हमारे उत्तरी मैदानी इलाके. दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल सोयल ऑफ ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस रिवर्स एंड इट देयर ट्रिब्यूटरीज. तो हमारा जो इलाका है इसके अंतर्गत क्या है, हमारे एलुवियल प्लेन्स, एलुवियल और फर्टाइल प्लेन्स है. एलुवियल द सोयल विच इज कैट बाय द वाटर, जलोढ़ हिंदी वर्ड है उसका. तो हमारे यहाँ सबसे ऊपर हिमालयन माउंटेन्स, उसके बाद इन हिमालयन माउंटेन्स से निकलने वाली नदियां जिनके द्वारा जो कंकर पत्थर मिट्टी जमा की जाती है उससे, उसके बाद लास्ट में इन माउंटेन से नीचे जाने के बाद बनते हैं प्लेन्स, मैदानी इलाके, समतल, फ्लैट लैंड. और ये फर्टाइल क्योंकि मिट्टी है वो किसके द्वारा, इन नदियों के पानी के द्वारा भाग के लाई गई है. तो फर्टाइल प्लेन्स हमारे फर्टाइल भी है, फ्लैट भी है. फर्टाइल मतलब खेती अच्छी हो सकती है, कल्टिवेशन हो सकता है, यानी खेती अच्छी हो सकती है. फ्लैट है, कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन करना आसानी से हो सकता है, रेलवे वगैरह आसानी से डेवलप किया जा सकते हैं, रोड आसानी से डेवलप किए जा सकते हैं. इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इसी इलाके में पाई जाती है, कौन से, प्लेन्स में पाई जाती है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया. अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ इन नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद और प्लेन्स 3 महत्वपूर्ण नदियां मैंने बताई प्लेन्स में. दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द 3 मेजर रिवर्स, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा. देन आफ्टर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर हम पश्चिम की बात करें तो देयर आर डेजर्ट्स, कुछ मरुस्थल हैं,
which are what? Dry and a very lower amount of vegetation. अगर इसकी बात करें तो हमारे यहाँ लगभग सूखा और गर्म मौसम, बहुत कम यहाँ वेजिटेशन पाया जाता है. इट इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट है भारत का. और हमारा सबसे बड़ा जो मरुस्थल है डेजर्ट, वो कौन सा? थार. थार डेजर्ट इज देयर, और वो भी इसी पार्ट में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग फिजिकल डिविजन्स, एंड इन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लेट्यूज एज वेल एज द आईलैंड ग्रुप्स विच आर पार्ट ऑफ इंडिया. अब इसके बाद जो हमारा अगला फिजिकल डिविजन होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसमें हमारे पास है माउंटेन्स, हमने प्लेन्स, डेजर्ट्स, और अब उसके बाद प्लेट्यूज, जो कि और फर्दर हम नीचे जाएं साउथ की तरफ नॉर्दर्न प्लेन से, तो नीचे है ट्रायंगुलर एरिया है. और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे जो आइलैंड कंट्रीज, जो हमारे पार्ट आइलैंड ग्रुप्स जो हमारे पार्ट है, द्वीप समूह जो हमारे पार्ट है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार. इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क. थैंक यू. नाइस डे.